जमीन पर भी टिड्डी और आसमान में भी टिड्डी। हद तो तब हो गई जब टिड्डी उड़ाने वाले किसान के सर पर भी टिड्डी बैठ गई। दोस्तों, ये न्यूज़ श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में टिड्डियों का भयंकर प्रकोप है। किसान अपनी ओर से जितना हो सके उतना प्रयास टिड्डी उड़ाने के लिए कर रहे हैं, परंतु जब भी टिड्डियों की डार किसी खेत में बैठ जाती है तो उस खेत में कुछ नहीं बचता। टिड्डी बैठने से पहले ही किसान उसको उड़ाने या भगाने की कोशिश करते हैं। अगर बैठ जाए तो आप घर जा सकते हैं, क्योंकि उस खेत में कुछ भी नहीं बचता सिवाय टिड्डियों के। टिड्डियाँ इतनी भयंकर होती हैं कि उसकी जड़ों तक भी कुछ नहीं छोड़ती, फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। और जब भी टिड्डियाँ बैठती हैं तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों को साथ में लेकर खेतों की ओर भाग पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि जब उनके खेत में टिड्डी की डार बैठे उनसे पहले वो टिड्डियों को भगा दें। परंतु किसानों के हालात आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि कितनी बुरी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई किसानों को मुआवजा जैसी प्रक्रिया का ऐलान नहीं किया गया है। जब भी किया जाएगा तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।